इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा, जिसके बाद हमारी पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, बीमारियां फैलने लगेंगी, हमारी टेक्नोलॉजीज खराब हो जाएंगी और हम डेवलपमेंट में कई साल पीछे चले जाएंगे। 2038 से शुरुआत होगी एक डार्क एज। 2 नवंबर 2002, टाइम ट्रैवलर इंस्टीट्यूट नाम के एक ऑनलाइन फोरम पर एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, टाइम ट्रैवलर _0। जब पहली पोस्ट आती है सब हैरान रह जाते हैं। इस इंसान का ऐसा क्लेम था कि एक टाइम ट्रैवलर है जो साल 2036 से आया है IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए, क्योंकि उसके टाइम के सारे कंप्यूटर्स खराब हो रहे हैं। उसने अपनी टाइम मशीन के फोटो शेयर करने का भी वादा किया। उस फोरम पर लोगों ने उससे कई सवाल पूछे। तब उसने बताया कि फ्यूचर में कैसे वॉर से सब कुछ खत्म होने लगेगा और कंप्यूटर्स भी खराब हो जाएंगे। साथ ही उसने ये भी बताया कि हो सकता है कि उसकी टाइमलाइन में जो कुछ हुआ है वो इस टाइमलाइन में ना हो, क्योंकि जब हम टाइम मशीन से पीछे के समय में ट्रैवल करते हैं तो एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाता है और इवेंट्स में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। क्या ये सारे क्लेम सच थे, कोई मजाक कर रहा था या कंप्यूटर ब्रांड अपने आप को प्रमोट कर रहा था? क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? हाँ है, लेकिन थ्योरेटिकली। साल 1971 में टाइम ट्रैवल थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया गया, द हेफेले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक क्लॉक्स को एयरप्लेन में रखा गया, जिनमें से एक ईस्ट की तरफ जा रहा था और एक वेस्ट की तरफ। जब इस फ्लाइट के बाद एयरप्लेन में रखी घड़ियों के टाइम को साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में रखी घड़ियों के टाइम से कंपेयर किया तो उन दोनों टाइम्स में कुछ नैनो सेकेंड्स का अंतर था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का आइडिया आया कहां से? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें टाइम ट्रेवल की थ्योरी को थोड़ा सा साइंटिफिकली समझना होगा। सर आइज़क न्यूटन ने पहले टाइम को एक कांस्टेंट बताया था जो कि स्पीड या पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, और इसलिए ऐसा माना जाने लगा कि भले ही आप धरती पर हो या स्पेस में, समय एक जैसा ही चलेगा। पर बाद में फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने टाइम और ट्रैवल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को बदल दिया। उनकी इस थ्योरी के हिसाब से टाइम को मोशन और ग्रेविटी की मदद से बदला जा सकता है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक 4-डायमेंशनल फैब्रिक क्रिएट करते हैं जिसे स्पेस टाइम कॉन्टिनम कहा जाता है। अब मान लीजिए कि स्पेस टाइम कॉन्टिनम एक बेडशीट की तरह है जिसे हमने चारों कॉर्नर से खींचकर पकड़ा हुआ है, समझे? अब जब उस बेडशीट पर थोड़ी भारी चीज रखेंगे तो उसमें एक गड्ढा बन जाएगा। ये चीज जितनी भारी होगी वो गड्ढा भी उतना ही गहरा होगा। इसी तरह ये थ्योरी ग्रेविटी पर काम करती है, जितना गहरा बेंड उतना स्लो टाइम। ये है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, मतलब टाइम रिलेटिव है, यानी हर कोई टाइम को अलग तरह से महसूस करता है। हमारे शास्त्रों में कई बार कही गई रेवती की कहानी भी इसी ओर इशारा करती है। सुनिए आपने, चलिए मैं सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के चैप्टर 3 में लिखा है कि जब राजा काकुदमी अपनी बेटी रेवती के लिए सूटेबल हस्बैंड ढूंढना चाह रहे थे तब वो ब्रह्मा जी के पास गए, पर ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी थे, वो उस समय गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। आखिरकार जब राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि उन्हें रेवती का विवाह किससे कराना चाहिए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जितनी देर वो ब्रह्मलोक में इंतजार कर रहे थे उतनी देर में धरती पर कई युग बीत चुके हैं, उनके वंश की मृत्यु हो चुकी है। वो जिसे भी रेवती का पति बनाने का सोच रहे थे उनकी कई पुश्तें जन्म लेकर मर भी चुकी हैं और उनका राज्य भी अब खत्म हो चुका है। इस कहानी को आज टाइम डायलेशन से जोड़ा जाता है। एक जगह टाइम बहुत तेजी से चलता हुआ फील होना, तो वहीं दूसरी जगह उसका धीरे धीरे गुजरना। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ये ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, यानी ग्रेविटी जितनी ज्यादा टाइम उतना ही धीरे चलेगा। तो अगर हम अर्थ के सेंटर के पास जाते हैं तो ग्रेविटी के बढ़ने से टाइम धीरे गुजरता है, वहीं हम अर्थ के सेंटर से जितना दूर जाते हैं ग्रेविटी का असर कम होने की वजह से टाइम तेज भी हो सकता है। थ्योरीज के हिसाब से टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी और स्पीड की जरूरत होगी। आइंस्टाइन ने जब इस थ्योरी को प्रपोज किया था तो यही दो कंडीशंस रखी थी।
आप खुद ही सोचिए, जब एयरप्लेन की स्पीड पर ट्रैवल करने पर भी सिर्फ कुछ नैनो सेकंड्स का ही डिफरेंस आ रहा है, तो अगर हमें कई साल या सेंचुरीज ट्रैवल करनी है तो लाइट की स्पीड से चलना होगा या ब्लैक होल जैसी ग्रेविटी की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन टाइम ट्रैवल करने का ये तो एक कंसेप्चुअल तरीका हुआ, जहां आप एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में जंप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका टाइम धीरे या तेज चल रहा है, राइट? ग्रेविटी और लाइट के अलावा एक और ऐसा तरीका है जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ टाइम की स्पीड को बदलकर नहीं, बल्कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जंप करके। वॉर्म होल्स सिंप्लीफाई करके समझें तो कुछ थ्योरीज के हिसाब से स्पेस टाइम कॉन्टिनम में कई सारे छोटे छोटे छेद हैं, जो कि स्पेस टाइम कॉन्टिनम में ट्रैवल करने के लिए एक ब्रिज का काम करते हैं। अब ये तो बात हुई टाइम ट्रैवल करने के पॉसिबल तरीकों की, लेकिन ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, मेथड्स या मशीन्स भी तो होंगी जिनका मेंशन रिसर्च पेपर्स और कॉन्स्पिरेसी में किया गया है, जिससे मे बी नियर फ्यूचर में हमारे लिए टाइम में ट्रैवल किया जाना पॉसिबल हो जाए। साल 1895, एचजी वेल्स की एक नॉवल रिलीज हुई, द टाइम मशीन। टाइम मशीन एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप टाइम में आगे या पीछे ट्रैवल कर सकते हो। अब टाइम मशीन का मेंशन तो कोई नई बात है नहीं, और कई ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जहां इसे बनाने की कोशिश की गई, लेकिन टाइम मशीन के इस कॉन्सेप्ट पर सबसे पहला प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया एस्ट्रोफिजिसिस्ट सर रोनाल्ड मैलेट ने। 10 साल की उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद रोनाल्ड मैलेट बहुत ज्यादा अकेले हो गए थे। एक साल बाद उनके हाथ एचजी वेल्स की किताब द टाइम मशीन का एक इलस्ट्रेटेड वर्जन लगा। इस बुक से इंस्पायर होकर उन्होंने टाइम मशीन बनाने का फैसला किया, जिससे वो टाइम में पीछे जाकर अपने पिता की जान बचा सके। वो टाइम मशीन बनाने में जुट गए, लेकिन सवाल था इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाए। तब उन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता चला। जब उन्होंने इस थ्योरी को समझा तो उनका टाइम मशीन बनाने का सपना उन्हें थोड़ा पॉसिबल लगने लगा। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से बेडशीट में आने वाला बेंड जितना गहरा है, टाइम उतना ही स्लो है। तो इन बेंड्स को एक पाथ बनाने के लिए उन्होंने ऐसे ही बेंड्स का एक स्पाइरल मॉडल बनाया। रोनाल्ड मैलेट के हिसाब से ये स्पाइरल स्पेस टाइम की फैब्रिक को ट्विस्ट करके एक स्पाइरल पाथ में घुमाती जाती है, जिससे आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन सवाल यह था कि अगर ये मशीन बन गई तो टाइम ट्रैवल के बाद एक इंसान अपने डायमेंशन में वापस कैसे आ पाएगा, और इसके नॉर्मल टाइमलाइन पर क्या इफेक्ट्स होंगे। इन्हीं सब सवालों के कारण इस कॉन्सेप्ट की डिस्कवरी के बाद भी ये प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। पर ये टाइम ट्रैवल की थ्योरीज में एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट था, जिसके बाद साइंटिस्ट ने दिमाग में टाइम ट्रैवल की थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ गई। टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे, जिनमें CIA का एक सीक्रेट मिशन भी शामिल था, द मॉन्टूक प्रोजेक्ट। ये US की कई बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक है, जिनमें रिसर्चर्स ऐसे लोगों को किडनैप करते जिनके पास कोई घर नहीं था, और फिर उनके ऊपर टाइम ट्रैवल से रिलेटेड खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते। ऐसा कहा जाता है कि मॉन्टूक के साइंटिस्ट वापस आने वाले टाइम ट्रैवल से दूसरी तरफ होने वाली हर चीज की जानकारी लेते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के ज्यादातर सब्जेक्ट कभी अपनी टाइमलाइन में वापस लौटे ही नहीं। टाइम ट्रैवल दुनिया के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे दो भागों में समझा गया। पहला है फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल और दूसरा बैकवर्ड टाइम ट्रैवल। फ्यूचर में ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटीज को कई साइंटिस्ट फिर भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस शायद इतने ज्यादा नहीं होंगे। पर पास्ट में टाइम ट्रैवल करना बहुत डेंजरस हो सकता है, जैसे पास्ट की रियलिटी ऑल्टर हो सकती है, जिसका एक नॉर्मल टाइमलाइन पर काफी गहरा असर पड़ सकता है। ऐसे कई कॉन्ट्राडिक्शन सामने आए जिससे इस पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, जिन्हें पैराडॉक्सेस का नाम दिया गया। इनमें से सबसे फेमस है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए कि आपने पास्ट में ट्रैवल किया और आपके बर्थ से पहले ही आपसे कोई ऐसी गलती हो गई जिससे आपके ग्रैंडफादर की मौत हो गई, तो लॉजिकली आप तो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। इस पैराडॉक्स के जवाब में फिजिसिस्ट आइगोर नोविकोव ने एक सेल्फ कंसिस्टेंस प्रिंसिपल प्रपोज किया, जिसके हिसाब से हमारे यूनिवर्स का एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण टाइम ट्रैवलर ने समय में पीछे जाकर जो भी चीजें की होती हैं वो पहले से ही पास्ट का पार्ट होती है, और कोई
उसे बदल नहीं सकता। कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं कि अगर टाइम में पीछे जाकर आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस बन सकती है, तो वहीं से एक अल्टरनेट यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, और यहीं से शुरू होता है थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स, जैसा कि मार्वल की मूवीज में दिखाया जाता है। ऐसे और भी कई सारे पैराडॉक्सेस हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि पास्ट में ट्रैवल करने के ये कॉन्ट्रडिक्शंस अगर सच में पॉसिबल हो सकते हैं तो इनका क्या इफेक्ट होगा और वो कितना खतरनाक हो सकता है। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट काफी फैसिनेटिंग है, लेकिन आजकल के समय में हमारी टेक्नोलॉजीज शायद इतनी एडवांस नहीं है एक प्रॉपर वे में उसे टाइम ट्रैवल किया जा सके। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अभी तक हुए हैं वो किसी ना किसी ग्लिच के साथ सामने आए हैं, पर हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे टाइम ट्रैवल को महज थ्योरीज से निकालकर प्रैक्टिकल बनाया जा सके। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अपनी फेवरेट टाइम मशीन मूवी या सीरियल भी मेंशन कीजिएगा। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।